जी तो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग जो है यूट्यूब चैनल बना रहे हैं फेस लगा के। तो मैं तो पहले आती नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी न्यू ट्राई करूँ कि ट्रेंड चल रहा है, चलो जी मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा होता है कैसा नहीं होता। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहा चले आज मैं अपना सारा दिन ब्लॉग इसी में बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको बताती हूँ आज सारा दिन मेरा कैसे गुजरा है। और सुबह सुबह तो वीडियो बनाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि सुबह बच्चों को मुझे जल्दी जल्दी रेडी करना था, उनका करेक्टर्स डे था। मैं पिक्चर लगा दूँगी जो जो वो रेडी हुए हुए थे, मैं दिखा दूँगी वो कैसे रेडी हुए हुए थे। तो आज का हम डे स्टार्ट करते हैं चलें, और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ आज सारा दिन मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, आज का दिन हेलोवीन था और हेलोवीन मनाया जा रहा था। और जो है ना, टीचर्स को पता है कि कुछ लोग मुस्लिम्स हैं हेलोवीन नहीं मनाते, तो इसीलिए टीचर ने उसको करैक्टर डे का नाम दे दिया कि चलो सारे बच्चे जो है ना कोई करैक्टर बन गया है और ना सारे बच्चे आराम से अपना एंजॉय करें, और ये ना हो कि कोई बच्चा कहे कि हम कुछ नहीं बने। यहाँ पे कुछ लोगों ने हेलोवीन के लिए भी बाहर अपने घर भी डेकोरेट किए होते हैं, और जो है ना सारा कुछ उन्होंने किया होता है, डेकोरेशन वगैरह और सारा कुछ। तो आज जो है ना, फर्स्ट टाइम मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने गई थी, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ स्कूल में बच्चे भी किस तरह करेक्टर्स में आए होते हैं, टीचर्स भी आई होती हैं, पेरेंट्स खुद करेक्टर बन के बच्चों को लेने आए होते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी जाके फर्स्ट टाइम ना देखती। तो खैर, मैं फिर अब बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ, और प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे मुझे नज़र आए हैं, कोई स्पाइडर मैन, कोई पुलिस मैन, कोई बटरफ्लाई, कोई कुछ प्रिंसेस बारबी, हर कुछ कोई ना कोई बन के आया हुआ था, और इतने क्यूट लग रहे थे ना बच्चे। खैर, ये छोटे बच्चों का एरिया था, मेरे बच्चे बैक साइड पे थे, बड़ी क्लासेस के बच्चों का बैक साइड पे एरिया था, और एक पेरेंट्स तो पता नहीं, ये देखें ये पता नहीं क्या क्या बन के आए हुए थे। सारे बच्चे जब बाहर निकले तो सारे बच्चे उन लोगों को भी देख रहे थे कि ये पेरेंट्स क्या बन गए हैं। और ये अयान आ गया और खदीजा भी आ गई थी, तो अयान पिकाचू बन के गया हुआ था। तो बस यही है कि बच्चों की थोड़ी बहुत इन्जॉयमेंट वगैरह होती है कि चलो बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। फिर बस अरूबा भी आ गई और इनकी क्लास भी फ्री हो गई थी। उसके बाद जो है ना, सारे बच्चों की अट्रैक्शन सामने थी कि भाई ये कौन बन के आया, और अरूबा भी मुझे वही बोल रही थी आज मज़ा आया और ये सारा कुछ हुआ। अरूबा पता नहीं कोई करेक्टर है वेडनेसडे, वो बन के गई थी, और ये आप देख सकते हैं सारे बच्चे को ना कोई करेक्टर ज़रूर बन के आया हुआ है। तो ये जी हैं पेरेंट किसी के, और फादर बतनी क्या बन के आए हुए हैं पूरे के पूरे, और सारे बच्चे उनकी तरह ट्रैक हुए हुए हैं। मैंने फिर ना रास्ते में जाते जाते जो है ना, मुझे ये व्यू अच्छा लगा, मैंने कहा चलो अब यहाँ लोगों की यहाँ पे फोटो शूट कर लूँ। फिर थोड़ी बहुत हम घर आ गए। अच्छा, तो जो है नाश्ते के बाद जो है ना सूप था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सूप पिया जाए, ठंडा के ये, तो अब मैं थोड़ा सा सूप इंजॉय करने लगी हूँ। रूबा भी सूप पी रही है और मैं भी सूप पी रही हूँ। टुडे आई एम मेकिंग पकौड़ाज, ये मैंने बच्चों के लिए किए हैं, इसके अंदर फ्राइज जैसे आलू कट किए हैं, और ये हैं प्याज के पकौड़े। तो मैं जो हूँ ये देखें बच्चों के लिए पकौड़े बना रही हूँ, रोटियाँ भी बना रही हूँ साथ साथ। तो जो है बच्चे स्कूल से आए थे, तो मैंने कहा चलो ये खाते कर रही हूँ, शेप पे मत जाना। हाँ, मेरे बच्चों को भी पकौड़े बहुत पसंद है, तो आज तो वो खुश हो गए कि वाह आज तो रोटी के साथ पकौड़े हैं। तो ये बच्चों के फ्राइज़ वाले पकौड़े हैं थोड़े से, यहाँ पे रोटी रेडी हो रही है, इनकी प्लेट रेडी करके फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गए हैं पकौड़े रेडी, और इन लोगों की प्लेट भी रेडी है। तो जी, ये था मेरा सारा दिन, और आई होप यू लाइक द वीडियो। और जिस जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यहाँ पे मैं पकौड़ा टेस्ट करने लगी हूँ जो मैंने बनाया है, कैसा बना है। तो चलो मैं खाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कैसा बना है। और वैसे मज़े का बन गया था, मुझे पकौड़े बहुत पसंद है। और आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।